अस्सलाम वालेकुम साथियों, ये पुडिंग बनाने लगे हैं। आधा कप शुगर ली है और उसमें हमने एक दो टेबलस्पून पानी डाला है और उसको फिर हमने कैरामलाइज कर लेना है, पका लिया है। तो मेजरिंग कप जो है वो हमने ये लिया है, ये देखिए कॉर्निंग वेयर का, उसको हमने सुनहरा कर लिया। आंच अभी बंद कर देते हैं इसलिए कि ये गर्म होगा, ये ना हो कि ये जल जाए। जी इसको बीट कर दें। नीचे कर दो अच्छी तरह। और ये डाली इसमें चीनी, बचना बेटे एक दो टेबल स्पून, और ये तीन टेबल स्पून। देखना 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 गिरना जाए, ध्यान इधर। और ये दादा 1.5 कैन, हमें 6 अंडे चाहिए थे, घर में खत्म हो गए तो हमने 4 डाले। उसके लिए 2 जो हैं वो फिर हमें लगता है ज्यादा हो जाएंगे। हमने पोर कर लेना है। अब हम आते हैं इसको इसमें रखने के लिए पॉट में। बंद कर देते हैं, आग जला देते हैं। अब इसको हमने कोई 40-45 मिनट जो उबलने दिया है, आंच बंद करते हैं और इसको यूं ही रखा रहने देते हैं यहाँ तक कि ये ठंडा हो जाए। तो अब आए हैं कोई घंटे बाद, अभी काफी गर्म है वैसे। तो ये स्क्यूअर हमने इसके अराउंड फेर लिया, वैसे जरा सा ठंडा हो जाए कि हाथ से पकड़ सके तो बेहतर है। और इसमें निकालने लगे, अल्लाह खैर करे, इसमें निकालते हैं। पकड़ना, किचन जीनियस। चलो जी, मैं वो आजकल की जो इंस्टाग्राम की गर्ल्स हैं उनकी तरह रिव्यू करूं खाने को। माय गॉड, दिस लुक्स एब्सोल्युटली अमेजिंग। आई एम लाइक सो ऑब्सेस्ड बाय दिस ब्यूटीफुल कैरामल ग्लेज। तो ये देख लो, बेटी साहिबा जो है वो खा खूब गई है, कहती है बहुत मजेदार बना है। तो ये तो थी हमारी कैरामल पुडिंग, जो हम आम सी पुडिंग है जो घरों में बनाते हैं हमेशा। हम अफ्रीका में भी ये बनाते थे क्योंकि वहाँ पर ये एवेपोरेटेड मिल्क जो है ये मिला करता था। तो ये पुडिंग जो है ये हमने वहीं से बनानी सीखी हुई है। तो ट्राई कीजिए, खुदा करे कि ये आपको पसंद आए और आपकी बहुत अच्छी तैयार हो। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।